आप सारे प्यार परी जैम सिंह जी ओल्ड नेशन चर्च के इस प्रोग्राम असं थानू सारे वेलकम करते हैं जी आया आपने स्वागत करते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपां एक और मौका बख्शा कि आप परमेश्वर की तारीफ ते वड्याई कर सकते उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। आओ असी सारे रल के इस महिमा दे विच आपां रलीए मिलिए जुड़िए ते प्रभु दे नाम की उस्तत करिए वड्याई करिए। थोड़ा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं अपना कीमती टाइम कढ के इस प्रोग्राम नूं देख रहे हां। तुसीं अपने भैणां भरावां नूं भी फोन करके इस प्रोग्राम बारे दस सकदे हां ताकि वह भी इस प्रोग्राम नूं देख सकन फायदा उठा सकन। आओ आपां अज दा प्रोग्राम इस गीत दे नाल शुरू करदे हां। निश्चा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकता है। विश्वास करांगे तो सब कुछ हो जाऊगा। विश्वास करांगे तो बीमारियां दूर हो जाणगियां। विश्वास करांगे तो चिंता जिहड़ी आ उह छड के चली जाएगी। बीमार होणगे बीमार विश्वास करांगे तो दुष्ट आत्मे आपां नूं छड के चले जाणगे। सो विश्वास करन दे नाल परमेश्वर जिहड़ा बहुत खुश हुंदा आ। सो आपां विश्वास करना जो भी आपां अज दे भजन कीर्तन करने आ वचन सुनना विश्वास करना कि इदां हो जांदा आ। अज दा गीत आपां शुरू करिए। निश्चा अगे पहाड़ नहीं खलो सकता करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकता। और रल के गाइए हालेलुया। सब कुछ हो सकता आगे नहीं पहाड़ खलो सकता करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकता। जो मंगदा है सो पाउंदा है खंग जावे जो खड़काउंदा है जावे तो फड़कौंदा है सूची दुखिया कर रब दे कोलों केड़ा पापन हो सकता
हो सकता। मैं चाहिया के नहीं पार खलो सकता, तेरे जे विश्वास तो सब कुछ हो सकता। मैं चाहिया के नहीं पार खलो सकता, तेरे जे विश्वास तो सब कुछ हो सकता।
ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ।
इंसान जिन्नियां मर्जी बड़ियां गलतियां कर लवे लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें माफ कर देता जदों आपां उहदे कोल आउंदे आ। सो एक भुला होया इंसान गलतियां का पुतला प्रभु यीशु मसीह पास आउंदा ते अरदास बेनती करता कि प्रभु जी मैनूं माफ़ करो अपने गल दे नाल ला लो। आपां इस गीत दे नाल प्रभु की तारीफ करिए, वड्याई करिए, उहदे नाम की जय जयकार करिए। हालेलुया। मैनू मिले तेरे नाम तो, गल नाल ला लो
जाना नहीं, असं बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। ब्रेक तो बाद आप सारे का असं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुसी इस प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं। सानू पूरा भरोसा आ कि तुसी इस प्रोग्राम के राही बहुत आशीष से बरकत पा रहे हैं। आओ हुण आपां चलीए परमेश्वर की बाणी के विचों सीखण लई। अपने को प्रभु दे दास परमेश्वर के मसा कीते हुए मैन ऑफ गॉड पास्टर जॉन जी अपने को आए आ, तो आपां इन्हां नूं पुछदे हां कि अज तुहानूं ते मैनूं ये पवित्र बाइबल दे विचों की सिखाउणा चाहुंदे आ। पास्टर जॉन जी कांची टीवी दे स्टूडियो थोड़ा सा थानू असीं वेलकम करदे आ जी आखदे आ। ते अज भैण भरा बहुत प्यासे आ वचन दे, भुखे आ वचन दे, तो तुसीं इन्हां दी भुख किदां मिटाओगे, किदां प्यास इन्हां दी बुझाओगे, ते ये हुण थानू असीं टाइम दिंदे आ। शो थैंक यू सो मच। सब तो पहला जैम सिद्धि गुरमुख जी थानू और सारे जो कांची टीवी नू देख रहे हो तुसी, और ये प्रभु यीशु मसीह दी अमृत बाणी दा प्रोग्राम जिहड़ा तुहाड़े वास्ते हुंदा है, दो बार हफ्ते च आंदा है, तो तुहाडा सारिआं दा असीं धन्नवाद करदे हां। और जैम सिद्धि तुहानू कहिंदे आ, इहदे नाल नाल ऑल नेशन दी जिहड़ी सारी टीम है
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਲਈ ਜੋ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੇਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗ ਘੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਔਰ 16 ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ, ਆਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਨਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੋਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੁੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂੰ ਫੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਚਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂ ਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਛੈਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਆਰ ਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਆ।
ठीक है, लेकिन यह अगला लैवल मैं थोड़े जरूर साझा करा। 13 आयत में लिखा हूँ निश्चा आशा और प्रेम तीनों आ, हूँ निश्चा आशा और प्रेम तीनों आ। बहुत सारे लोग ने उन्होंने निश्चा आया कि साढ़े को मुक्ति आ, साढ़े को सलवेशन आ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हरे आस से बैठे ने, उम्मीद है उन्होंने, किसी को भी मानते हैं, कितने भी जानते हैं, जो भी है उन्होंने उम्मीद है कि चलो जी सानू मुक्ति लग जाएगी। तो बचन कहता कि किसी को निश्चा आ, किसी को उम्मीद आ, लेकिन किसी को प्यार आ, लोग दोनों नालों उत्तम प्यार ही है जी, ठीक है जी। तो इसलिए आओ आप इस प्यार को अगे वधाने, ठीक है। बाइबल दे विच जोहन्ना का खत, जोहन्ना का पहला खत और उसका चौथा अध्याय, जोहन्ना का खत पहला जोहन्ना चौथा अध्याय और उसकी 7 आयतों असी देखांगे। पहला जोहन्ना चौथा अध्याय और 7 आयत जिहड़ी आ कि उसदे विच की लिखिया और इनू आस्ता आस्ता पढ़ांगे। 7 गल्लां मेरे को समा हैगा आ, मैं 7 गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगा जी, ठीक है, और तुसी बहुत बरकत पाओगे। आमीन 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 जी। हे प्यारियो, आओ असी एक दूए नाल प्रेम रखिए, क्यों जो प्रेम परमेश्वर तो है, अते हरेक जेड़ा प्रेम करता है वो परमेश्वर तो जम्मिया होया है अते परमेश्वर नू जानदा है। जेड़ा प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर नू नहीं जानदा, क्यों जो परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर दा प्रेम साडे विच इस तो प्रगट होया जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नू संसार विच घल्लिया भई असी उहदे राही जीवीए। प्रेम इस गल विच है ना जो असा परमेश्वर नाल प्रेम कीता, सगों ये जो उन्हें साडे नाल प्रेम कीता अते अपने पुत्र नू कल्या भई वह साडे पापां दा प्राश्चित कहोवे। आमेन, ठीक है। तो थोड़ी देर लिए रुकते हैं कि जो असं वचन देखते हाँ कि 7वीं आयत शुरू होंगी, हे प्यारो आओ असी एक दूजे नाल प्रेम रखिए, क्यों जो परमेश्वर प्रेम, क्यों जो प्रेम परमेश्वर तो है अते हरेक जिहड़ा प्रेम करता है वह परमेश्वर तो जम्मिया होया है अते परमेश्वर नू जानता है। जिहड़ा प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर नू नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, ठीक है। गॉड इज अ लव, तो बहुत सारे लोग इदा टर्म बोल देंगे कि गॉड, गॉड इज ए लव, लव इज ए गॉड। तो लव इज ए गॉड नहीं है, प्यार जिहड़ा वो रब नहीं है, ठीक है, लेकिन रब नूं सब तो अच्छा तरीका मिलन दा प्यार ही है, ठीक है। तो लेकिन परमेश्वर प्यार है, ये गल सच्ची है, ठीक है। इस अध्याय दे विच ये गल बार बार जिक्र आती है कि परमेश्वर जिहड़ा, परमेश्वर मुहब्बत आ। तो जे असीं कहने कि अहीं रब नूं जाणदे आ, जे असीं कहने कि परमेश्वर नाल साडा रिश्ता हो गया, फिर लाजमी आ तुहाडे अंदर मुहब्बत होएगी, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੋ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆ, 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 7 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ। ਤੋ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਤੋ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ प्रेम इस गल विच है ना जो असा परमेश्वर नाल प्रेम किया सगों उन्हें साडे नाल प्रेम किया ते अपने पुत्र नू कल्या भई वह साडे पापां दा प्राश्चित होवे, ठीक है। कुरबान होने वास्ते प्रभु यीशु मसीह आए धरती उत्ते तां कि मेरे तुहाडे पापां दा भार चुक लैण और मेरा तुहाडा कर्जा भर देण और मैनू ते तुहानू सुरखरू आजाद करवा देण। आमीन, ये पहली गल। प्रेम जिहड़ा आ उह कुरबान हुंदा आ, उह कुरबानी दिंदा आ, ठीक है जी। अज तुसी केड़ी मुहब्बत चो आ हुण देख लेना। 11वीं आयत, हे प्यारियो जदों परमेश्वर ने साडे नाल इस प्रकार प्रेम कीता तां चाहीदा है जो असी भी एक दूए नाल प्रेम करिए। परमेश्वर नूं किसे ने कदे नहीं डिठा। जे असी एक दूए नाल प्रेम रखदे हाँ तां परमेश्वर साडे विच रहिंदा है ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਤੋਂ
कि जे असी एक दूए नूं प्रेम करते हाँ तो परमेश्वर साढ़े विच रहिंदा है ते उहदा प्रेम साढ़े विच संपूर्ण किया होया। इदां हो सकदा गुरमुख जी के तुहाडे घर दे विच प्यार होवे, आपस विच सरगी होवे, मेल मिलाप होवे ते गुआंढी जिहड़े आ उहनां तक जाहर ना होवे। समझे गल? जे झगड़ा तुहाडा गुआंढियां नूं सुणदा है तुहाडी मुहब्बत भी इहनां नूं पता लगदा है। ठीक है ना, घर विच कलीसिया विच स्टूडियो विच हर जगह तुहाडे देश कौम तुहानूं पता है कि तुहाडे टब्बर दा किहड़ा जी बड़ा चंगा भला प्यारा मिठा आ ते किहड़ा कौड़ा आ। ठीक है, तो इसलिए वचन कहिंदा दूसरी गल प्यार दिसदा आ। प्यार इदां नहीं कि दिसदा नहीं है अणदेखिया, नहीं, प्यार दिसदा है तुहाडियां गल्लां तों, तुसीं किद्दां कंडक्ट करदे हो, तुसीं किद्दां रिश्तेदारियां च चलदे हो, तुसीं की करदे हो किसे लई की नहीं करदे हो, प्यार दिसदा आ। बेशक जिवें कोई भी चीज़ असी कपड़ा पाया जो किसी चीज़ नूं हथ ला लैंदे हो, तुसीं हथ सपोज करो नहीं ला सकदे, लेकिन तां वी प्यार नज़र आंदा आ। कित्थों? तुहाडे किरदार दे विचों प्यार नज़र आंदा, जदों तुहाडे घर च प्यार आ उह पता लगदा है। ठीक है नी, अगली आयत, उहने अपणे आत्मा विचों सानूं दान जो कीता है इस तों असीं जाणदे हाँ जो असीं उहदे विच रहिंदे हाँ अते ओ साडे विच रहिंदा है। आमीन। तीसरी गल की है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा चो सानू दान जो किया इस तो असी जानते हाँ कि वह साढ़े विच रहिंदा और असी उहदे विच। प्यार आ जिहड़ा असल प्यार आ, असल प्यार दे विच इंटीमेसी आ, असल प्यार दे विच मुहब्बत जिहड़ी है उहदे विच इंटीमेसी आ। चाहे तुसीं दुनिया का प्यार लाओ, चाहे तुसीं परमेश्वर का प्यार लाओ। ठीक है जी, प्यार दे विच एक मेकता आ, परमेश्वर तुहाडे अंदर उतर आंदा, तुसीं परमेश्वर विच उतर जांदे हो। ठीक है, ये असल मुहब्बत आ। ठीक है, जिवें धरती दे उत्ते हुंदा है, बहुत सारे लोग ने जिवें अज परमेश्वर दे नाल उहनां दा प्यार तां पै गया, तां वी ओह फल ने। जिवें बहुत सारे लोग ने शादीशुदा जोड़े ने, ठीक है, बहुत सारे पति पत्नियां ने, वो अपने पति दे उत्ते जां उहदी मुहब्बत उत्ते फोकस करन नालों घरदिआं ते ज़्यादा फोकस करदे ने। ठीक है, वो जी तेरी माँ मेरे नाल लड़दी रहिंदी है जी, वो तेरा भरा मैनू इदा कहिंदा रहिंदा है, वह मेरे नाल सीधे मुँह नहीं बोलता। ओके, मैं तुहानू दसना चाहुंदा, तुसीं जिहड़े शादीशुदा जोड़े हो, तुहाडे बच्चे तुहाडे आपसी मुहब्बत चों पैदा होने ने कि सस नाल ते जेठ नाल ते जठाणी नाल नहीं बनदी उत्थों पैदा होने ने? बच्चे तुहाडे आपसी मेल चों पैदा होंदे ने, तुहाडी आपसी इंटीमेसी आ। इसलिए कदर करो इस मुहब्बत की, जिहड़ा तुहाडा पति पत्नी का मुहब्बत है। इहदे जदों तुसीं परमेश्वर च हो, परमेश्वर च तुसीं एकमिक हो जांदे हो, तुहाडा इंटीमेसी रिलेशनशिप आ, परमेश्वर तुहाडे अंदर उतर आंदा, तुसीं परमेश्वर दे अंदर उतर जांदे हो। अच्छा, जिवें दुनियावी रिश्ते आ उहनां दा फल आ, इहदे जदों तुसीं परमेश्वर दे नाल इंटीमेसी च जांदे हो उहदे विच्चों भी फल आउंदे ने, उहदे विच्चों भी मिनिस्ट्रियां बर्थ करदियां ने, उहदे विच्चों भी वड्डे वड्डे काम हुंदे ने जिहड़े दुनिया देखदी आ कि वाकई रब तुहाडे जीवन दे विच आ। आमीन। ये तीसरी गल सी जी, अगे पढ़िए, असा वेख्या है अते साखी दिंदे हाँ जो पिता ने पुत्र नूं घल्लिया भई ओ संसार दा मुक्तिदाता होवे, मुक्तिदाता होवे। ठीक है जी, चौथी गल, परमेश्वर ने पुत्र नूं घल्लिया कि ओ संसार दा मुक्तिदाता होवे। पर जिहड़ा मुहब्बत या प्यार आ, प्यार दे विच मुक्ति है जी, प्यार दे विच सलवेशन आ। अज असी मुक्ति पाने लई, सलवेशन पाने दे लई पता नहीं की करन रहे आ। तुहानू धर्म नहीं चाहीदा मुक्ति वास्ते। अज बहुत सारे लोग आ कि एक किसी नूं छड्दे आ, उहनू कबूल कर लेंदे आ, इत्थों उत्थे जांदे आ, करदे नहीं। जे तुहानू मुक्ति लभदे हो ना, जे तुसीं मोक्ष लभदे हो, जे तुसीं इह जन्म मरण दे चक्करां चों निकलना चाहुंदे हो, अगर तुसीं पाप चों निकलना चाहुंदे हो, अगर तुसीं नशेबाजियां बुराइयां चों निकलना चाहुंदे, तुहानू धर्म नहीं चाहीदा मेरे भैणो भराओ, तुहानू परमेश्वर चाहीदा। आमीन। और परमेश्वर की मुहब्बत जिहड़ी है उहदे विच सलवेशन आ, उहदे विच मुक्ति है। तुसीं हैरान हो जाओगे कि जिन्हों लभण लई तुसीं इन्ना कुछ किया, इन्ने दान पुन किए, इन्नियां तीर्थ यात्रा कीतियां, कदी इजराइल चले गए, कदी किते चले गए, लेकिन जिदन मुक्ति लभी तुहानू रब की मुहब्बत चो लभनी है। इसलिए आओ अज रब की मुहब्बत दे विच होइए। चौथी गल, जो तुसीं रब नू प्यार करदे हो, रब तुहानू प्यार करदा, परमेश्वर की मुहब्बत दे विच सलवेशन आ, मुक्ति आ, नजात आ। आमीन। अगली गल, जो कोई मन लैंदा है भई यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उहदे विच अते ओह परमेश्वर दे विच रहिंदा है, अते असां परमेश्वर दे उस प्रेम नूं जो साडे नाल रखदा है जाणिया अते ओहदी प्रतीत कीती है। परमेश्वर प्रेम है अते
जेड़ा प्रेम विच रहिंदा है वह परमेश्वर विच रहिंदा है अते परमेश्वर उस विच रहिंदा है। आमीन। तो अगेन जिहड़ी सतवीं आज सी, ठीक है ना, एक किस्म दी और रिपीट हो रही है, पंजवीं गल कि गॉड इज़ अ लव, परमेश्वर मुहब्बत आ। ठीक है जी, ऐदा नहीं हो सकता गुरमुख जी कि मैं कहां कि जी परमेश्वर मुहब्बत आ और मैं परमेश्वर नूं मंदा आ ते लेकिन हर जगह मैं फसदा फिरां। समझे ना, सवाल मेरा इन्ना कौड़ा होवे कि कोई मेरे नेड़े ना लगे। जा अज लोग पता नहीं की करते ने, कून करते ने, मारे जाते ने, कोई किसी नूं मारदा, कोई कुछ करदा है और सोचते ये ने कि बाइबल च लिखिया लोग पून करनगे और ये सोचणगे ही अपने रब नूं खुश करदे। नहीं मेरे भैण भरावो, रब मुहब्बत है। ठीक है जी, इसलिए रब प्यार है। तो जो परमेश्वर तुहाडे अंदर उतर आंदा है तुहाडा सुभाव प्यार वाला सुभाव बन जाता है। बहुत सारिया भैणा ने उन्होंने पति यशु मसीह च आ गए, वह खुद हैरान हो गई कि एडा अड़ब एडा करखत आदमी एडा सखत पंजाबी सुभा का बंदा यह किदा इन्ने चंगे सुभा का हो गया। और बहुत सारे भाई बड़े खुश ने, वो जी जी मेरी पत्नी सुनती नहीं किसी पासे भी गल, लेकिन जो रब अंदर उतर आया उन्हें टोटली बदल के रख दिता। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुहब्बत है। जो वो अंदर उतर आता है तुहाडे अंदर भी वो मुहब्बत जगा दिता है। आमीन। अगली गल, प्रेम साढ़े बच्च इस तो संपूर्ण होया है भई न्याओ दे दिन सानू दलेरी होवे, क्योंकि जिमें ओ है तिमें असी भी इस संसार बच्च हाँ। आमीन। छेवीं गल, जो तुसीं परमेश्वर की मुहब्बत चो जिहड़ी सच्ची मुहब्बत है, जिहड़ी रब की मुहब्बत आ, तुहाडे अंदर दलेरी आ, तुहाडे अंदर बोल्डनैस आ, किहड़ी गल दे वास्ते? जो तुसीं रब दे अगे खड़े होना। अज बहुत सारे लोग आ जिहड़े मौत तो डरदे आ, मरण तो डरदे आ। ठीक है, उन्होंने पुछो कहते पता नहीं कितने डिगना, पता नहीं कितने जाना, अं की होना साढ़े ना की नहीं होना, मौत का डर इन्ना उन्होंने आ, हाए अं मरना नहीं चाहते। हालांकि सुख इतने भी कोई नहीं, जिंदगी उन्होंने जिंदगी सुख इतने भी कोई नहीं है, बड़े दुख ने घर के बिजनेस के बड़िया चीज़ों के, लेकिन वो बावजूद भी मरना नहीं चाहते। ठीक है, डर है उन्होंने अंदर। जो तुम रब की मुहब्बत चाहते हो, जो सालवेशन जो मुक्ति रब की तुहाडे अंदर आ जाती है, फिर तुहानू मौत तो डर नहीं आता, तुहानू चाह कि मैं एक दिन जाना है दुनिया तो। क्यों? इस प्यार के कारण तुहाडे अंदर दलेरी आती है। जो तुम धर्मराज के अगे खड़े होना है, जो तुम परमेश्वर के अगे खड़े होना, गुरमुख जी सच है, मनीए असी ना मनीए, हर शख्स जिहड़ा दुनिया तो पैदा होया इको रब तो पैदा होया। रब वाले नहीं है, इदा नहीं है कि मान लो मैं इंडिया च पैदा होया तो इंडिया होर रब से, जो मैं इंग्लैंड उतरिया तो इतने आते एक होर नवा रब से। नहीं, रब एको ही है, रब नहीं बदलता। ठीक है, इस तरीके ना हर शख्स जिहड़ा दुनिया से पैदा होया वो एको रब तो पैदा होया। और जो असी धरती नूं छड़ना है सारी दुनिया ने एको रब के अगे खड़े होना, यह सच्चाई है। ठीक है जी, तो जे उस रब के अगे जो तुम खड़े होना जिन्हें तुम्हें पैदा करके धरती पर भेजा, तो जो तुम रब की मुहब्बत को अज अपने अंदर ले लोगे तो अंदर शेर वर्गी दलेरी आ जाएगी। आमीन। तो तुम धरती पर भी दलेर होवोगे और जो रब के अगे खड़े होवोगे तो भी तुम्हें शर्मिंदगी ना, तुम्हें डरन की लड़ है, तुम्हें सज़ा नहीं देगा बल्कि थोड़ा स्वागत किया जाएगा वो हजूरी के। आमीन जी। अगली गल 18, प्रेम विच धड़का नहीं सगों पूरा प्रेम धड़के नूं हटा देंदा है। आमीन। सतवीं गल, प्रेम विच धड़का नहीं है। ठीक है, नो फीयर इन द लव, प्यार च डर नहीं है। पत्नी इंडिया होलीडे करन जांदी है, कितने भी जांदी है, बंदा कितने भी बिजनेस ट्रिप ते जांदा है, हफ्ता हफ्ता महीना महीना नहीं आंदा घर। सही है ना, कोई डाउट नहीं है किसी दे रिश्ते दे विच। ठीक है, इदां ही साढ़े विचों रब दे विच जिहड़ा रिश्ता आ उहदे विच कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई धड़का नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए बोड़ेगा कि नहीं बोड़ेगा, इस गल च रब मेरी राखी करेगा कि नहीं करेगा, यह जिहड़े मसले मसाइल पैदा होए आ इन्हां दा हल होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं कल किन्ना क दिन बुरा चढ़ेगा की होएगा। नहीं मेरे भैणों भराओ, तुसीं एक वारी रब नाल रिश्ता तां करके देखो। ठीक है, मैं पिछले दिन भूआ जी नाल गल करदा सी, मेरे भूआ जी काफ़ी सियाने ने और कोई साढ़े फैमिली विच डैथ होई, तो मैं उन्होंने गल करदा सी, तो कहिंदे कि मैं तो अपने भरा भतीजा वालों बड़ी दुखी सी, तो आ एक होर दुख मैनू पै गया, तो मैं बड़ा हिल जिहा गया उन्होंने गल सुन के। मैं क्या मेरी भूआ नूं साढ़े वालों की प्रॉब्लम है कि असी तो बड़े सोहणे सुखी वसदे आ, सानू तो रौला कोई नहीं है।
फिर मैं बाकी सारे देखा, चलो ठीक है, देखो हर जो आप धरती से हाँ तत्तियां ठंडिया हवावान चलदिया रहिंदिया ने, लेकिन भूआ नूं कहिड़ी गल का दुख है। फिर मैंने एक गल का समझ आई, जॉन जिहदे अंदर रब नहीं ना उहदे अंदर दुख ही दुख है। समझे गल? इसलिए मेरे भैणों भराओ, जिन्नी देर रब नहीं ना तुहाडे अंदर मुहब्बत नहीं उतरी, उन्नी देर ये दुनिया जिहड़ी आ भावें इन्नी सोहणी है, इन्नी ब्यूटीफुल आ, तुहानूं नहीं चंगी लगती है। इसलिए लाजमी आ मेरे तुहाडे वास्ते जिहड़े सच्ची मुहब्बत आ, देयर इज नो फीयर इन द लव। असल प्यार च कोई धड़का नहीं है, ठीक है, असल प्यार च कोई तड़का नहीं है। तुहानूं पूर्ण विश्वास अपनी पत्नी ते, अपने पति ते, अपने बच्चों ते, बच्चों नूं अपने माँ बाप ते, कलीसिया नूं पास्टर ते, पास्टर नूं कलीसिया ते, और सानूं सब नूं रल के रब दे उत्ते, और रब नूं साडे उत्ते भी विश्वास है। आमीन। इस तो पहला कि आप सत्त गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर कीतियां, ठीक है। पहली गल, जदों असीं सच्ची मुहब्बत च आ जांदे आ, जदों जिहड़ी सच्ची मुहब्बत आ उह सैक्रीफाइस करदी आ, उह कुरबानी करदी आ, ठीक है। तो इसलिए जदों असीं भी किते हुंदे आ, मन लो माँ रोटियां बनाउण डई आ, ठीक है ना, तो आटा मुक गया, तो बच्चा कहिंदा बीबी अजे भुख लगी सी, एक रोटी होर लैणी आ, तो जिहड़ी माँ आ उह कहिंदी अच्छा भुख लगी पुत नूं, फटाफट आटा मलदी आ, ठीक है, तुहाडे उह मतलब खांद्या खांद्या राड़ दिंदी रोटी होर। तो अगर उही नौकराणी आ, कोई नौकर रोटियां लाण दिया, तो आटा खत्म हो गया, हुण तुसीं उहनूं कह दो भी मैनूं एक रोटी होर चाहीदी है, वह इदां लगना भी जिद्दां सौ घड़ा पानी दा एक वारी पै गया हुंदा सिर च, समझे ना। उन्हें कहना कि मैनूं धरती बेल दे देवे, हुण कित्थे हुण मैं फिर आटा गुन्नूंगा, फिर एक रोटी दे बदले तुसीं, समझे ना। तो क्यों? क्योंकि वह नौकर है, अपनी ड्यूटी कर रहा। माँ ड्यूटी नहीं कर रही, माँ मुहब्बत करती है तुहानूं भराओ, ठीक है, मेरे भैणों भराओ, परमेश्वर इतनी मैनूं तुहानूं प्यार करता, प्यार दे विच कुरबानी है, ठीक है जी। पहली गल। दूसरी गल, जदों सच्चा प्यार हुंदा मेरे तुहाडे अंदर, प्यार जिहड़ा वह दिसदा आ, रिश्ते नज़र आते, ठीक है, प्यार दिसदा आ। तीसरी गल, जदों असीं देखते हाँ, जदों जिहड़ा प्यार परमेश्वर मैनूं करदा और मैं परमेश्वर नूं करदा, उहदे विच इंटीमेसी आ। जिवें धरती के प्यार के इंटीमेसी, असं दो शरीर एक होंने, इदे असी रब के मुहब्बत भी दो जने एक होंने, असी और रब, और जिदे फल आते हैं धरती उत्ते, अमेजिंग पावरफुल ने। और चौथी गल, जो असं परमेश्वर के होंगे, परमेश्वर प्यार सू मुक्ति देंदा, सैलवेशन देंदा, सू फसे नहीं रहन देंदा, आजाद करता सू। पंजवीं गल, परमेश्वर जो प्रेम आ, गॉड इज़ अ लव, जे परमेश्वर तुहाडे अंदर आ, फिर इदा नहीं होगी कि मेरी भरा नहीं बनती, तो जठाणी ना दराणी ना नहीं बनती, समझे ना। इदा नहीं कि चर्च के हले लुई आया तो जो घर गया तो फिर चलो आ जाओ भी कडो डंगा, ऐदा नहीं है। नहीं मेरे भैनों प्रभो, परमेश्वर वाला प्यार एक उत्तम प्यार आ, ठीक है, गॉड इज अला। पंजवीं गल, परमेश्वर प्यार आ। छेवीं गल, जो असं देखते हैं प्रेम के असल प्यार जोड़ा आ, उहदे विच बोल्डनेस आ, उहदे विच दलेरी आ। जिन्ने तुसीं अंदरों सच्चे सुच्चे रब दे नाल तुहाडा जीवन सही होएगा, उन्ने तुसीं दलेर होवोगे, तुहानूं किसी गल की तुड़खा नहीं रहेगी। तो फिर जो सातवीं गल देखते, इहदे विच नो फीयर इन द लव, सच्ची मुहब्बत दे विच कोई डर नहीं है, कोई तड़का नहीं है, यह नहीं है देखो कितने भी जा रहे हैं, ठीक है, तो पता आ कि जदों धरती तो साह मुकिया, हम आदमी है एकदमी, तो जो ना अंदर आया ना, पता फिर वो ही अही उपर आना, हजूरी आना। आमीन। पर जिनी देर वो एक सह आन डाया, उन्नी देर नहीं टिके बैंड है, ठीक है जी। मैं नहीं लगता गुरमुख जी ने उन्होंने कभी भी मैं क्या हो कि तुम इस दिन आना है और मैंने उन्हें इनकार किया हो। जिनी देर धरती पर आ, उन्नी देर नहीं बहना, उन्नी देर इस मुहब्बत नुहाडे नाल वंडना आ, जो मर्जी कॉस्ट आए, क्योंकि असल मुहब्बत जिहड़ी उच कुरबानी है। कुरबानी तो बिना कोई मुहब्बत नहीं है मेरे भैणों भराओ। इसलिए आओ अज जदों मुहब्बत तुहाडे तक पहुंची है, आखिरी एक गल असीं जरूर तुहाडे नाल सांझा करांगे, लेकिन इस तो पहले आपां प्रेस चाहुंदे आ, ठीक है। तुसीं सच्चे और जिउंदे परमेश्वर की बाणी नूं सुणिया, यह बाणी जिहड़ी है बहुत दुनिया दीआं सब तो वध भाषावां दे विच लिखी गई है और सब तो वध इहनूं पढ़िया जांदा है। यह बाणी जीवन बदलदी है। यही बाणी अज तुसी सुनी है। अगर तुहाडा शादीशुदा जीवन च प्रेम नहीं है, तुहानू लड़न की लोड़ नहीं है, झगड़न की लोड़ नहीं है, तुहाडी पत्नी बुरी नहीं, तुहाडा पति बुरा नहीं है, पता क्यों? रब ने किसे नू भी बुरा बनाया ही नहीं है। परमेश्वर ने हर एक नू अपने शकल ते, अपने सूरत ते, अपनी छवि ते पैदा किया। लेकिन प्रॉब्लम यह आ, तुहाडे रिश्तियां च रब नहीं है। इसलिए अज रब नूं बुला लो कि तू जिहड़ा मुहब्बत दा रब आ, जिहदे बारे असीं कंची टीवी तो सुनिया, जिहदे बारे ऑल नेशन वाले दस के गए आ, जिहदे बारे भाई जॉन दसण रहा ही, वो रब्बा तू जिहड़ा मुहब्बत आ, अज साडे रिश्ते विच उतर आ।
अज साडे पति पत्नी दे रिश्ते नूं साडे धीआं भैणां दे पुत्तरां दे मां बाप दे घरां दे रिश्तेदारां दे बिजनेस दे कित्ते वी तुहाडे रिश्ते खराब ने अज रब नूं अंदर लै लो जी। ठीक है, उस तो बाद जो सत गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर कीतियां, अगर तुहानू लगता है कि अज तो सलवेशन नहीं है तुहाडे अंदर, अगर तुहाडे लगता तुहानू बोल्डनेस नहीं है, अगर तुहानू लगता तुहाडा धड़कदा दिल हाए पता नहीं कित्थे होना की जाना की करना है, बहुत सारे क्रिश्चन ने जिहड़े धड़कदे ने, ठीक है ना, इसलिए आओ अज अपने दिल नू खोलो रब दे वास्ते। मैं प्रार्थना करन लग्या तुहाडे वास्ते, अरदास करन लग्या, परमेश्वर तुहानू छूण लग्या। आमीन। आओ अपनी अखां नू बंद करिए और मेरे नाल रल के कहिए, सच्चे ते जीवंदे परमेश्वर पिता, जमीन ते आसमान दे रचण हार प्रभु, तू जिन्हें सानू पैदा करके धरती ते भेजा, जिहदे अगे असी एक दिन हिसाब देना है, सच्चे ते जीवंदे रब्बा, अज मैं तुहाडे कोल आया, तुहाडे कोल आई हां प्रभु जी, जो मुहब्बत दी गल मैं सुनी आ, अज यही मुहब्बत लई मैं अपना दिल खोल दे, मैं अपना घर खोल दिया इस मुहब्बत दे वास्ते, ये सच्ची मुहब्बत मेरे घर च मेरे दिल च आ जावे, मेरे रिश्तियां च, मेरे बिजनेस, मेरी सेवकाई च उतर आए प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। और इस मुहब्बत की खातर तुहाडियां हर बीमारियां नूं मैं डांटदा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, ये वचन तुहाडे अंदर जाए, स्वीकार होवे, और जिहदे कारण तुहाडियां अधरंग दे अटैक जिहड़े ने, तुहाडे मरे हुए अंग जिहड़े फिर तो चलन प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, इस वेले लाइलाज बीमारियां खत्म होण तुहाडे अंदरों प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते, तुहाडे टुटे हुए रिश्ते जिन्हां लई तुसीं रोंदे हो ओ परमेश्वर ईश्वर तू कदों मिलाएगा, सच्चा ते जीवंदा परमेश्वर रिश्तियां नूं जोड़दा आ, प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते मैं तुहाडे टुटे रिश्तियां नूं जुड़न दे लई डिक्लेयर करदा आ। इस वेले तुहाडा फाइनेंस जो खराब हो चुक्या, जो लुटिया जा चुक्या, जिते जादू टूणे होए आ, मैं सारियां जादू टूणे दी शक्तियां नूं रद्द करदा इस वेले तुहाडे फाइनेंस दे उत्तों प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, और मैं डिक्लेयर करदा कि जिन्ना भी तुसीं कमाओगे तुहाडियां लोड़ां तों वध होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच, तुहाडे तुसीं सरप्लस रहोगे, तुसीं वधोगे, को उछलदा होएगा, तुहाडे को ज्यादा तो ज्यादा होएगा। ओ हालेलुया ग्लोरी जीसस, जिहड़े तुसी रोंदे हो परमेश्वर तुहानू शादमान, तुहानू खुशी बख्शेगा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विचों, तुहानू अंदरों बदलेगा, खुशी तुहाडे चेहरे ते आएगी, तुहाडा घर दसेगा कि तुहाडे अंदर सलवेशन मुक्ति और स्वर्ग उतर आया प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे उत्ते। हर शख्स जिहड़ा अज दे कन्नां च आवाज आ रही आ, इस वेले प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच स्वर्ग दी मुहब्बत नूं मैं डिक्लेयर कर देना दिलां दे अंदर, घरां च, परिवारां च, और इहदा फल इहनां तों नजर आए, और ये गवाहियां जिहड़ियां ने ये दूर दूर तक जाण कि ओह सच्चा ते जिउंदा रब आ जिहदी मुहब्बत मेरे अंदर उतरी है, और उहने मेरे घर नूं, मेरे घराणे नूं, मेरे जीवन नूं बदल के रख दिता, और यही मुहब्बत अगे तों अगे वधदी जावे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। आमीन, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. इस दिन नाल सदा टाइम हो गया। Thank you. Thank you.